Welcome to VLearn. This is session 8 of MIS. In this session, we are going to cover different topics like ERP, CRM, supply chain management, portfolio management. Let us start with ERP. What is ERP? ERP stands for Enterprises Resource Planning. It is the ultimate form of enterprises integration. ERP is basically a collection of software programs which ties together all of an enterprise's various functions like HR, finance, manufacturing, sales, etc. ERP एक ऐसा software है, ऐसा bigger software है जो एक organization के different function को इकट्ठा लेके आता है और उसके basis पे analysis करता है. जैसे अभी हमने एक एग्जांपल कवर किया, एचआर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, सारा डेटा हमारा ईआरपी प्रोसेस करता है, उसके ऊपर एक कलेक्टिव एनालिसिस करता है. ईआरपी सॉफ्टवेयर आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, प्रोडक्शन, फोरकास्टिंग, सेल्स, एनालाइजिंग द क्वालिटी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन. सो ईआरपी इज़ अ वेरी पावरफुल एज वेल एज वंडरफुल सॉफ्टवेयर जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि अभी बताया गया, प्लानिंग में, प्रोडक्शन में, फोरकास्टिंग में, क्वालिटी एनालिसिस में एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम ईआरपी को ब्रीफ में समझना चाहें, एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में समझना चाहें, तो दिस लाइन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट ऑफ ईआरपी. दैट इज, एक ईआरपी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम टू द राइट पीपल तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इतना फास्ट प्रोसेसिंग करता है, ऑन टाइमली डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है एंड टू द राइट काइंड ऑफ पीपल. नेक्स्ट वन इज द मेन रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ ईआरपी इज द एफिशिएंसी दैट एन ईआरपी सिस्टम ब्रिंग्स इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन इन द एरियाज ऑफ. अगर हम कहते हैं कि ईआरपी हमारी बहुत हेल्प करता है कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, तो किस वजह से ऐसा हो पाता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एनालिसिस एंड द रिपोर्टिंग दैट कैन बी यूज फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग. ईआरपी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एनालिसिस का प्रोसेस एज वेल एज रिपोर्टिंग जनरेट करने का प्रोसेस जो है बहुत ही फास्ट तरीके से एंड एक्यूरेट मैनर में हो पाता है. ईआरपी फॉलोज बैक ऑफिस एज वेल एज फ्रंट ऑफिस कॉन्सेप्ट. अगर हम बैक ऑफिस की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल इश्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड वेन वी टॉक अबाउट द फ्रंट ऑफिस, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल मीन्स, दैट इज हाउ द कस्टमर इज अचीव्ड और रिटेन्ड और कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच. द पावर ऑफ ईआरपी इज सो पावरफुल. ईआरपी की वजह से एमआईएस की पावर इतनी एनहेंस हो गई है कि नाउ वी आर एबल टू प्रोवाइड यू द मिनट बाय मिनट कंट्रोल. बेटर ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सिस्टम कैन बी थॉट विद द हेल्प ऑफ ईआरपी. एंड एंटरप्राइजेस मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल दैट यूजेस टेक्नोलॉजी एंड कैरीड आउट प्री डिफाइंड प्रोसेस टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. नॉर्मली पीपल गेट कन्फ्यूज विद द एंटरप्राइजेस एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑर्गेनाइजेशन इज द पार्ट ऑफ एंटरप्राइजेस. सो एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों से मिलकर बनी है, जहाँ पर लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज़ करते हैं अपने काम को करने के लिए, ताकि दे कैन प्रोड्यूस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज. ईआरपी प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंटरप्राइजेस फॉर द अचीवमेंट ऑफ इट्स बिजनेस प्लान एंड स्ट्रेटजीज. ईआरपी हेल्प करता है एंटरप्राइजेस की, ताकि वो अचीव कर सकें बिजनेस प्लान्स को और स्ट्रेटजीज को बाय बिल्डिंग अप एन इंटीग्रेटेड सिस्टम इनेबलिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिसोर्सेज. ईआरपी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दैट परमिट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सीमलेस मैनर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर. हाउ इट इज़ अचीव्ड? कैसे हमारा ईआरपी हेल्प करता है एक सीमलेस फ्लो ऑफ डेटा को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अनदर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में?
दैट इज बाय अवॉइडिंग द रिडेंडेंट वर्क, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क को रिड्यूस करके अवॉइड करके, एंड बाय इंश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल फीचर ऑफ ERP इज द इंस्टेंट अपडेशन दैट विल हेल्प द डिसीजन मेकर इन गेटिंग द असिस्टेंस फ्रॉम द ERP. In nutshell, ERP basically assists the decision makers to get the instant updation of the data, accuracy of the data, as well as the redundancy of data. So it helps them a lot in reaching a decision. There are four factors basically responsible for using the enterprise's model. First one is people. Yes. The skilled people are required for the utilization of ERP software. Technology. The person must be well versed with the technology they are going to use. Process. They must be aware of the process, the kind of techniques, tools need to be used to use this particular software. Products and services. Another important dimension is products and services. These four dimensions helps to build up the enterprise's model. Further, we are going to cover the different features of ERP. And features of ERP are, क्यों ERP market में इतना famous है, ऐसा क्या है इसमें जिसकी वजह से इतना popular है. First important feature of ERP is, it improves the customer service. Another important is, it bridges the information gap. सेंडर से रिसीवर तक के बीच का जो गैप है उसको हमारा ERP सिस्टम हाईली रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से साइक्लिक पीरियड ऑफ प्रोसेसिंग रिड्यूस हो जाता है. इट हेल्प अस टू इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांजैक्शन. इट इंश्योर्स, ERP इंश्योर करता है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम को, बिकॉज इट कवर्स ऑल द फंक्शन एंड बिजनेस एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आने वाले सारे फंक्शनल एरिया, सारे बिजनेस वर्टिकल्स को कवर करता है हमारा ERP. इट प्रोवाइड्स डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम. अब हम बात करते हैं अगर डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम, इट मीन्स सपोर्ट इज इवेल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ टाइमली एंड बेटर डिसीजंस. इट इंश्योर्स मटेरियल कंट्रोल एंड हेल्प्स इन अवॉइडिंग मटेरियल्स शॉर्टेजेस, रिडंडेंसी एटसेट्रा. इट हेल्प्स टू इंश्योर क्वालिटी, कैश एंड फंड मैनेजमेंट, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. हमारा ERP जो है हेल्प करता है मिनट बाय मिनट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, ताकि हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, कैश को बढ़ा सकें, फंड को ठीक से मैनेज कर सकें, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें. इट अलाउज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाइक इंटरनेट, इंट्रानेट एंड ई कॉमर्स. जब हम ERP को यूज़ करते हैं तो हमें अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, जैसे कि इंटरनेट, इंट्रानेट, ई कॉमर्स, क्योंकि इसी के प्लेटफॉर्म पे हमारा ERP रन करता है. सो इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट, सो ही और शी विल नॉट बी एबल टू मेक यूज़ ऑफ द ERP. बट इन अदर टर्म्स वी कैन से, इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू लर्न ERP, तो उसको इंटरनेट, इंट्रानेट, ई कॉमर्स के बारे में थोड़ी सी पहले ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट नाउ द पीपल विल गेट वेल वर्स्ड विद दीज टेक्निक्स एंड विद दीज इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ फर्दर दे कैन मेक यूज़ ऑफ ERP इन अ वेरी वेल डिफाइंड मैनर. अनदर इज एट्रीब्यूट्स ऑफ ERP. बहुत सारी प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ERP की, दैट हैज़ मेक इट सो पॉपुलर एंड बिजनेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बेसिकली. फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटाबेस. ERP ऑल्सो एक्ट एज ए कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन. इट रिटेन्स द डेटाबेस ऑफ द इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ERP सपोर्ट्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. रूटीन डेटा को हम इमीडिएटली प्रोसेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ERP. इंटीग्रेशन अक्रॉस फंक्शंस. लॉट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर रनिंग इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म अंडर द सेम अम्ब्रेला. सो ऑल अम्ब्रेला एक्टिविटीज आर डन बाय मीन्स ऑफ ERP. इट ऑल्सो अलाउ अस द यूसेज ऑफ शेयर डेटाबेसिस, यूज ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर्स. Now, basically, what makes the ERP to be so successful? It means the success of ERP basically depends on three important parameters. First one is accuracy of data.
और डेटा की भी जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मास्टर डेटा. मास्टर डेटा मीन्स दैट डेटा दैट डज नॉट कीप ऑन चेंजिंग. वो डेटा जो बार बार चेंज नहीं होता है, दैट डेटा ऑफ द ईआरपी इज कॉल्ड एज अ मास्टर डेटा. इंफ्रास्ट्रक्चर, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड द लास्ट वन इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द पीपल. ईआरपी के सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है दैट द पीपल हु आर गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, दे मस्ट बी एजुकेटेड, दे मस्ट बी वेल वर्स्ड, दे मस्ट बी गिवन द ट्रेनिंग बिफोर हैंड सो दैट दिस ईआरपी कैन बी यूटिलाइज इन ए फुल्ली फ्लेज मैनर. अनदर पावरफुल कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन MIS इज वॉट इज CRM. CRM स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. इट मीन्स प्रिजर्विंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड सर्विसेज टू एक्सपेंड द लॉयल्टी इज टर्म्ड एज अ CRM. नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर एंड सुपरवाइजिंग इज वैल्यूएबल टू बोथ द कस्टमर एंड द बिजनेस. हम एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं कस्टमर से ताकि हम कस्टमर की परचेजिंग पैटर्न को सुपरवाइज कर सकें इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो. CRM है क्या बेसिकली? आपके माइंड में बार बार ये चीज़ आ रही होगी, CRM है क्या? कोई हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है क्या ये? सो आई एम जस्ट क्लियरिंग योर कन्फ्यूजन दैट CRM इज वॉट बेसिकली. इट्स अ सॉफ्टवेयर. येस इट इज़ सॉफ्टवेयर विच फैसिलिटेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू ओवरसी इट्स कस्टमर हेल्थियर. और इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन ये अच्छे से देख पाती है कि किस टाइप से हेल्थियर कस्टमर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. दे आर हाईली फोकसिंग ऑन दैट, ऑन द कस्टमर पार्ट बेसिकली. CRM कैन ऑल्सो बी वेब इनेबल्ड, दस एडिंग ग्रेटर वैल्यू टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. हम CRM को की पावर को, इसके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इसको टोटल वेब बेस्ड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. So that we are adding greater value to the entire organization. Next is CRM application. CRM application smooths the progress of the capturing of the data, consolidation of the data, analysis of the data, enterprise-wise distribution of data from existing to potential customer. तो CRM के application software को use करके हम अपने business को वर्ल्ड वाइड लेवल पर एनहेंस कर सकते हैं ताकि ना केवल हम एग्जिस्टिंग कस्टमर रादर फ्यूचर पोटेंशियल कस्टमर की तरफ भी मूव हो सकते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल कंसेप्ट दैट इज गोइंग टू बी कवर इन MIS इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ फ्लोज बिटवीन एंड अमंग द स्टेजेस इन ए सप्लाई चेन टू मैक्सिमाइज द टोटल सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इस बात पर हाईली फोकस किया जाता है कि डेटा कैसे फ्लो होगा, कितनी स्टेजेस से होगा, कहाँ कहाँ से होकर आएगा, सो दैट हम मैक्सिमाइज कर सकें टोटल सप्लाई चेन को और अल्टीमेटली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज की जा सकें. सो कस्टमर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इस पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कस्टमर के ऊपर हाईली फोकस किया जाता है. द गोल ऑफ सप्लाई चेन ऑपरेशन इज टू हैंडल इनकमिंग कस्टमर ऑर्डर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. हमारी इस सप्लाई चेन का बेसिक गोल क्या है? जितने भी कस्टमर के ऑर्डर आते हैं, चाहे ऑर्डर आपका छोटा है या बड़ा है, कस्टमर आपके जानने वाला है या अननोन है, वट एवर इज सॉर्ट ऑफ द कस्टमर, इफ ही और शी इज द कस्टमर, तो टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज is the basic goal of supply chain management. If we talk about the objective of supply chain, then the objective of supply chain is to maximize the overall value generated. Is that the worth to the customer and the effort the supply chain expends in fulfilling the customer request. It means supply chain में हम एक win-win situation apply करने की कोशिश करते हैं जिसमें कस्टमर को भी अपने मनी की वर्थनेस मिलती है और हमारा जो एफर्ट है इन कोऑर्डिनेटिंग एंड फुलफिलिंग द कस्टमर रिक्वेस्ट, इट शुड बी मिनिमम. व्हाट इज सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी? कैन यू थिंक अबाउट इट? यस, यू आर एबल टू थिंक दैट इट इज द टोटल
profit to be shared across all supply chain, so it look for the sources of revenue and cost. जब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की सप्लाई चेन में, तो हम उन सोर्सेज के बारे में सोचते हैं जो कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हैं कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में रिवेन्यू जनरेट करने के लिए या कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए. हम उन तरीकों के ऊपर हाईली फोकस करते हैं. फॉर एनी सप्लाई चेन देर इज़ ओनली वन सोर्स ऑफ रिवेन्यू एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ कस्टमर. यस, CUSTOMER, कस्टमर. कस्टमर इज सेट टू बी द गॉड इन द CRM बिकॉज ही और शी इज़ द अल्टीमेट पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द generation of revenue in the organization. Decision phases in the supply chain. For the successful supply chain management, it requires many decision, and these decision are relating to the flow of the information, products and funds. तो इसके regarding हमारे पास तीन type के parameters हैं जो कि design decision phase में help करते हैं. First one is supply chain strategy, सप्लाई चेन प्लानिंग, सप्लाई चेन ऑपरेशन. डिज़ाइन, प्लानिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ए सप्लाई चेन हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड सक्सेस जनरेशन. ये तीनों पैरामीटर बहुत हेल्पफुल होते हैं इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट. फर्दर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी और डिज़ाइन. ड्यूरिंग दिस फेज a company decides how to structure the supply chain over the next several years. इसमें पहले से ही एक कंपनी एडवांस में ही सोचना शुरू कर देती है कि नेक्स्ट कुछ सालों के लिए हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सप्लाई चेन क्या रहेगा, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं, लाइक लोकेशन क्या रहेगी, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ क्या रहेंगी, कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, स्टोर कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा अलॉन्ग डिफरेंट शिपिंग लेग्स एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूटिलाइज. दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चन दैट आर टू बी आंसर्ड वाइल बिल्डिंग द सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी और डिज़ाइन. जब इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें देने पड़ते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज important parameter rather we must say the topic is supply chain planning. What is supply chain planning? Planning includes decisions regarding which market will be supplied from which location, which market must be supplied from which location, so that the inventory policies to be followed एंड द टाइमिंग एंड द साइज ऑफ मार्केटिंग प्रमोशन. ये भी हम किस में डिसाइड करते हैं, सप्लाई चेन प्लानिंग में. सप्लाई चेन मीन्स फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट, फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ द कैश. इन सब के बारे में प्लान करना, इट्स ऑल अबाउट द सप्लाई चेन प्लानिंग. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द MIS इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. वॉट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच फैसिलिटेट्स डिटरमाइंस द राइट इन्वेस्टमेंट मिक्स. मीन्स कंपनी के पास कुछ फंड है, कुछ एसेट्स है, उसको कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए सो दैट अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज किया जाए. अगर कहीं से आपको 400,000 का रिवेन्यू जनरेट हुआ और आप 400,000 के शेयर खरीदते हो, 400,000 के शेयर एग्जैक्टली ख़त्म हो जाते हैं या उसकी कोई मार्केट वर्थ नहीं निकल के आती है, तो सीधा का सीधा 400,000 आपकी कंपनी का जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट था उसको वो वेस्ट हो जाता है. इस टाइप की चीज़ों को हम सेव कर सकते थे अगर हम 400,000 की जगह हार्डली 100,000 इन्वेस्टमेंट करते, तो हमारा अगर वेस्ट भी होता तो हार्डली 3 लाख बच जाता और 1,00,000 ही वेस्ट होता. तो इसी टाइप से ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसमें हार्डली वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ 4,00,000 रुपीज़. बट अगर ये 40,00,000 होता है, 40 करोड़ होता है, तो आई थिंक 1 करोड़ का भी लॉस इट्स अ बिग लॉस फॉर द कंपनी. सो वी कैन सेव सच काइंड ऑफ लॉस विद बाय अप्लाइंग द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो इट कुड बी डन बाय अरेंजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द बिजनेस परफॉर्मेंस विच इज़ अ की चैलेंज इन द मैनेजमेंट.
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द रिसोर्सेज. हम अपने कंपनी के सारे रिसोर्सेज को बैलेंस करते हैं, बिजनेस नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं, बिजनेस रिस्क को भी एनालाइज करते हैं और कुछ पैरामीटर्स को चेंज कर देते हैं वाइल एट द सेम टाइम मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट. राइट. नेक्स्ट वन इज पीएम वाज ओरिजिनली क्वाइंड इन द फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी. प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, इनिशियली हम जब यूज़ करते थे इसको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में ही यूज़ करते थे. एंड द टर्म वॉज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द असेट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड. इनिशियली इसकी यही इंटेंशन होती थी, बट नाउअडेज इट इज़ यूज वर्ल्ड इन अ वर्ल्ड वाइड लेवल. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू मीट द बिजनेस नीड्स ऑफ द कंपनी. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एप्लीकेशन इंटीग्रेट्स ऑल प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विद इन ए सिंगल वेब बेस्ड एंटरप्राइजेस सोल्यूशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल एंटरप्राइजेस सोल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर. किसी ने एक बहुत ब्यूटीफुल सेइंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कही थी, दैट डोंट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट. इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एग्स मीन्स रिवेन्यू ऑफ द कंपनी, सिंगल बास्केट मीन्स एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो दिस वॉज द कंसेप्ट दैट वॉज गिवन बाय द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके रिगार्डिंग हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को कंपनी लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अप्लाई करते हैं. फर्स्ट वन इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर फोकस्ड, फास्ट, अलर्ट, रिस्पॉन्सिव एंड टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमाइज द टाइम टू मार्केट. दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ MIS दैट वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट. वॉट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? A disaster management is defined as a sudden misfortunate situation that is harmful to be undertaking. This means that there is a little time to react at the time of that misfortune. Preparations are required to have been made in advance. The focus should be on disaster planning. To kuch aise misfortune इवेंट्स सिनेरियोज होते हैं जो कि पहले से मालूम नहीं होते, ऑल ऑफ ए सडन आकर हो जाते हैं, लाइक अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, कोई भी अनसर्टेन चीज़ का होना, उसके रिगार्डिंग पहले से ही हम प्रिपरेशन करके रखते हैं इन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट. कुछ इनिशियल स्टेप्स हम लेके रखते हैं जिससे हम उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ईजिली टैकल कर सकें. तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स MIS के अंदर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या हो जाएगी, लाइक हमारा डेटा स्टोल हो चुका है, चोरी हो चुका है, करप्ट हो गया, उसका मीनिंग बदल गया है, कॉपी कर दिया गया है, रीनेमिंग हो गई है, वो कुछ भी डिजास्टर किसी भी सेंस में माना जा सकता है, हैकर्स ने हैक कर लिया है. तो इस टाइप की चीज़ों के रिगार्डिंग हमें कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में सिक्योरिटी पैरामीटर्स अप्लाई करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन सेव आवर MIS विद दिस kind of disasters. Right? Sometime even virus can also affect your MIS. So all the preparation that you do in advance to fight with such kind of problem, they all comes under the disaster management. Now, here is an exercise for you. Some question that you can answer is that now you have to explain what is ERP and CRM. Question number 2, what is portfolio management, and also brief about the supply chain management. With this we are going to finish with this session, that was session 8, and with this entire MIS is going to be finished. Thank you.